हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, दैट इज मार्कोवनिकोव रूल। सो सी द स्टेटमेंट, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्किन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच टू द कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो बेसिकली स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल अल्किन। अल्किन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ही हम उसे बोलेंगे डैट इज इट इज़ अ अल्किन। सो दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल अल्किन एंड दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। हम दोनों को क्या करवा रहे हैं, हम रिएजेंट को ऐड करवा रहे हैं अल्किन में, ठीक है। सो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्यों बोला है इसको, बिकॉज यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो दो डिफरेंट एटम से बने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक दूसरा एटम है और ब्रोमीन एक दूसरा एटम है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। वैसे ही अनसिमेट्रिकल अल्किन क्यों बोला है, अल्किन तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड है इसलिए इसको अल्किन बोला है, और अनसिमेट्रिकल क्यों बोला है, बिकॉज आप डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में अगर दोनों साइड देखोगे, लेफ्ट और राइट साइड देखोगे, तो अगर मैं यहाँ पे राइट साइड देखती हूँ तो एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, अगर मैं लेफ्ट साइड देखती हूँ तो एक कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन है, तो कैसे हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं दोनों साइड पे, यस, इसीलिए इसको बोला है अनसिमेट्रिकल एल्किन, यस। तो आगे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है एच शो करता है पॉजिटिव चार्ज एंड बी आर शो करता है नेगेटिव चार्ज, यस। तो जो भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, जो भी हमारा नेगेटिव पार्ट है, वो कहाँ पर आएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है, ठीक है। हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हमें अल्किन बोला है इसलिए हमको कहाँ देखना है, डबल बॉन्ड के जो भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और राइट हैंड साइड रहेगा वहाँ पे हमें देखना है कि उसमें से कौन सा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन एक ही है, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करवाएंगे, इस हमारे नेगेटिव पार्ट वाले को ऐड करवाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम है, और जो हमारा पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो जाएगा हाइड्रोजन जहाँ सबसे ज़्यादा है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर हम सी एच थ्री एज इट इज़ लिखेंगे, डैट इज़ सी एच थ्री देन सी एच देन सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, हमने एज इट इज़ लिखा। अभी हम एडिशन करवा देते हैं, यहाँ पे आया है हमारा ब्रोमीन, सो यहाँ पे हम लगाएंगे बी आर, और यहाँ पे आया है हमारा एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एच, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे थ्री लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं सी एच थ्री, सी एच थ्री, ठीक है। सो यहाँ पे ये नाम क्या रहेगा इसका, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन टू थ्री, और डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम लोग थ्री कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, रूट वर्ड डैट इज़ प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसीलिए ई एन ई डैट इज़ प्रोपीन, दिस इज़ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं हम, यहाँ से वन टू एंड थ्री, सेकेंड पोजिशन पर क्या है, ब्रोमीन है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ब्रोमो एंड नंबर ऑफ कार्बन इज़ थ्री, सो प्रोपेन। सो मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है, डैट इज़ जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्किन में ऐड करेंगे तो जो भी हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा डैट इज़ ब्रोमीन, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट अटैच होगा उस कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर अटैच होगा उस कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द मार्कोवनिकोव रूल। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।